गाय आपकी शांति रहती है। बिल्कुल गाय तो सर देखो अपने पास जितनी भी है ना, जी जी आगे आगे तो ये ताजी गुम्मत अभी आई है, जी जी, और सील स्वाब की ठंडी एकदम, किसी के नीचे भी आप बैठ जाओ, न्याणा लगाओ, चेने लगाओ, आगे तो बड़े बड़े ऑर्डर वाले दिखाएंगे गाय। अच्छा जी, पर ये मिलेगी अपने पास जेन्युइन जी, जेन्युइन, ऐसे नहीं अभी कचरा उठा के लिया वीडियो के अंदर लगा दिया, अगे वाला परेशान हो गया। कोई आदमी होते हैं वीडियो के अंदर बड़ी बड़ी गाय आगे लगाते हैं, छोटी छोटी मारे देखो, बड़ी भी है छोटी भी मिक्स ही है जी, मारे को कोई मीटर नहीं है। जो भाई वीडियो आया लास्ट देखेगा जी जी, जो समझ में भी आएगा, नॉलेज भी आएगी धंधे की भी कैसे होता है। हाँ जी, हाँ जी जी सर, तो पूरी वीडियो देखे, सभी गायों की प्रॉपर पूरी डिटेल समझे जी, उसके बाद में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गाय सिलेक्ट करें, फिर गाय ले बरखे चित्रा लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी सर जी। अभी देखो नाम थोड़ा खराब हो रहा है बार जी, तो वो नाम ना खराब होने दो, आपके ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है जी जी, ठीक है। व्यापारी तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है सर जी, जो कस्टमर है उसको देखना चाहिए मेन बात में, भी मेरे को क्या करना है। ऐसे हर आदमी के पास मत फंसे, नॉलेज ले पहले, हर वीडियो देखें भी इसकी वीडियो क्या आ रहा है, कितनी गाय आ रही है, कैसा सिस्टम है जी, पूरी जानकारी लेके फिर गाय खरीदे जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम जी, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी राम राम भाई साहब, धन्यवाद जी। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर यहाँ का एड्रेस शेयर करें जी। गांव मेरा कमीनपुरा जी जी, जिला श्री गंगानगरी और स्टेट राजस्थान है जी जी, और जो गांव है वो मेन रोड अपनी कर्णपुरा है जी, बड़ी रोड, उस रोड के ऊपर अपना गांव है कमीनपुरा जी। कमीनपुरा विलेज का नाम है, और श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का जिला है, उससे कर्णपुर रोड आती है। और गंगानगर से कितने किलोमीटर है? गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर दूर भाई साहब का गांव है और डेयरी फार्म है। बिल्कुल सर। तो आज की वीडियो में शीशपाल जी कितनी गायें सेल के लिए अवेलेबल दिखा रहे हो? हाँ सर जी, अपने पास गोमाता तो हर टाइम जी 20 से 25 रहती है जी। जी जी। और जो वीडियो के अंदर लगाते हैं ना जी, वो डायमंड डेरी लगाते हैं। अच्छा जी। और जो आज लगा रहे हैं जो चार सही वाला जेन्युइन जी, डायमंड डेरी पूरे एकदम नगिने। अच्छा जी। और एक राठी गोमाता लगा रहे हैं जी। जी। वो एक सही वाला और गिर के अंदर क्रॉस में है जी। गिर के अंदर, यानी कि राठी, गिर और चार सही वाला। चार सही वाला जी, उनमें से जो चार गाय ब्याई हुई है जी, दो गाय प्रेग्नेंट है, दो प्रेग्नेंट है, और एक के नीचे बछड़ी और तीन के नीचे बछड़ी है जी। तो भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें जी। मेरा नंबर है जी 9797-93980, व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है जी। तो ये आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे, सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें जी। हर रोजाना 1 से 2 वीडियो हम गायों की और भैंसों की वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे हर एक किसान पशुपालक भाइयों को जैसा उसका बजट हो जी, उस बजट की देख प्रकार चीज यहाँ से खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर, सही है ना भाई साहब? बिल्कुल जी एकदम। तो आशा करते हैं शीशपाल जी, जी गायों की वाजिब रेट रहेगी। बिल्कुल सर, देखो दाम होता ना जी, जी वो चीज के ऊपर लगाया जाता है, जैसा जैसी चीज होगी वैसा दाम लगेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। और अपने पास कुल मिला के ग्राहक आए घूम के जी, लास्ट में जो आता है अपने पास वो एक ही बात बोलता है, सब्जियां घूमने के बाद आपके पास एक दाम बहुत बढ़िया लगा हमारे को जी जी, तो लेके भी जाते हैं जी कस्टमर, बहुत से घर पे आते हैं और बहुत से ऑनलाइन में मंगाते हैं जी। तो यही अपने वीडियो में आशा करते हैं जी। हाँ जी, वाजिब रेट में किसान पशुपालक भाइयों के लिए गायें सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हो। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले भाई साहब एक राठी नस्ल में सुंदर कद काठी की जो गाय खड़ी है, हाइट लेंथ बहुत है जी, प्रॉपर इसकी जानकारी शेयर कर दो जी। जी भाई साहब, ये ताजी ब्याई हुई है जी। ताजा ब्याई हुई है, पीछे बछड़ा सर इसके, पीछे मेल का बछड़ा है, ऐसा ही नस्ल का बछड़ा जैसे गोमाता गदरी वैसे गदरा गोमाता पिंजरा जी जी, वो भी अपने वीडियो में कवर करके दिखाएंगे, नस्ल के ऊपर गया जी। बिल्कुल जी जी। ब्यांत कौन सा है जी? दूसरे ब्यांत में ब्याई, दूसरे ब्यांत में ताजा ही ब्याई हुई है जी सर। कितने दिन हो चुके हैं जी ब्याई को? 3रा दिन है सर। 3 दिन हो चुके हैं सर। 3 दिन की ब्याई हुई है, राठी नस्ल में है, पीछे मेल का बछड़ा है जी सर। कोई भी भाई मिल्किंग देखना चाहे तो लमसम कितने दूध की मिल्किंग चेक करवाओगे? अभी सर 13 लीटर की मिल्किंग करा देंगे जी, दोनों टाइम के 13 लीटर जी सर। आज 3रा दिन है, ब्याई को कीस के करवा देंगे, दूध तो देगी जी 15-16 किलो नॉर्मल। अच्छा जी, अभी 13 किलो कीस तैयार है जी। 13 लीटर रेडी रेट है, कच्चा दूध है जी, अभी दूध तैयार नहीं है यानी कि, और इतने दूध की कोई भाई मिल्किंग चेक कर सकता है। तो खांसी आ रही है जी? जी हाँ जी, थोड़ी ठंडी लगी जी। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। तो श्री गंगानगर में लगभग 10 दिन के करीब हो चुके हैं, सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए जी। सर जी देखो, हाँ जी हाँ जी, फुल रिटर्न रहती है हमारा, तो फिर
सुबह 4 बजे उठना जी, रात को 10 बजे गया हमें सोना जी। जी 20 से 25 गए रहते हैं, सारा दिन इनमें रहता है हाथ पानी में। जी जी जी। पशुओं का काम आपको पता जी बहुत मुश्किल है जी। हाँ जी हाँ जी। तो क्या प्राइस लोगे जी इसका? प्राइस इसका फिक्स रहेगा सर जी 55,000 रुपए। 55,000 रुपए 55,000 के अंदर फिक्स प्राइस बता रहे हो 55,000 रुपए। भाई साहब ने दोस्तों इसका प्राइस डिमांड किया है, काफी अच्छी गुलाबी थन की मोटे थन है। राठी गायों में अक्सर भाई बोलते हैं कि मोटे थन होने चाहिए। जी सर। भैंस जैसे मोटे बड़े थन होने चाहिए, ऐसी गायों की दूध क्षमता अच्छी रहती है। मेन देखो सर स्वाब इसका। हाँ जी हाँ जी। जैसी गायें हैं, जैसा रेट है, जैसा दूध बताया है, उसके ऊपर स्वाब भी है जी, गुणवत्ता का जी। स्वाब भी है, एकदम नॉर्मल स्वाब है जी। कोई घर पे दूध निकालो, लेडीज निकालो, जेंट्स निकालो, जैसे मर्जी निकालो जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी दूध वाली गायें हैं, अच्छी दूध वाली साफ सुथरी गायें हैं, और आगे ब्रीडिंग में भी तैयार हो सकती है सर। जी 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 जी। यानी कि मिल्क एंड ब्यूटी है राठी गायें के अंदर इसमें। ठीक है जी। तो इससे आगे भाई साहब दूसरे नंबर पर। हाँ जी, ये देखो सर, ये है गिर और साहिवाल में क्रॉस में जी। गिर और साहिवाल क्रॉस ब्रीड के अंदर है। हाँ जी हाँ जी 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 सर। कब की ब्याई है जी? ये ब्याई को जी आज हो गया 8-9 दिन जी। 8-9 दिन की ब्याई है। 13 लीटर दूध तैयार है जी, 15 लीटर दूध देगी सर ये। 13 लीटर दोनों टाइम का रेडी है, तैयार है जी। निकालने वाला दो टाइम वीडियो कॉल पे मिल्किंग करे, अगला निकाले आगे बढ़े की मर्जी सर। अच्छा जी, वो लेने वाले खरीदार की संतुष्टि है वैसे परचेज कर सकता है, यानी कि चाहे ऑनलाइन मंगाए तो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से जी। अगर खुद आके लेके देख के लेके जाए तो सबसे बेटर है जी जी। गिर और साहिवाल क्रॉस ब्रीड के अंदर है। तो कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? 8 दिन की सर। 8 दिन की 8 दिन की ब्याई हो चुकी है जी। और ब्यांत जी इसका? दूसरा ब्यांत है सर जी, अभी दूसरे ब्यांत में ब्याई है जी। जी दूसरे ब्यांत में जी जी। गायें आपकी शांति रहती है? बिल्कुल, गायें तो सर देखो अपने पास जितनी भी है ना। जी जी। आगे आगे तो ये ताजी गुमत अभी आई है जी जी। और सील स्वाब की ठंडी एकदम, किसी के नीचे भी आप बैठ जाओ, न्याणा लगाओ, चेनी लगाओ, गए तो बड़े बड़े ऑर्डर वाले दिखाएंगे गायें। अच्छा जी। पर ये मिलेगी अपने पास जेन्युइन जी? जेन्युइन। ऐसे नहीं अभी कचरा उठा के लिया, वीडियो के अंदर लगा दिया, आगे वाला परेशान हो गया भाई, जो पैसा चला गया आगे वाले का जी, और दूध आगे वाले को मिला नहीं है जी। जी ऐसा कोई काम नहीं है जी, ऐसा कोई काम, आगे वाला सही पैसा लगाएगा उसको जेन्युइन ही चीज मिलेगी जी। वो जितना का पैसा लगाएगा उतना उतने रुपए का माल मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सर जी। तो क्या इसका प्राइस है जी? प्राइस इसका फिक्स है सर जी, 48,000 रुपए जी। 48,000 रुपए 48,000 के अंदर। बिल्कुल सर जी, मान सम्मान करेंगे, रस्सा छोड़, बाकी इसमें कोई ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होगी जी। मान सम्मान हो जाएगा, मान सम्मान करेंगे जी, रस्सा छोड़ जी बिल्कुल। यानी कि लेने वाला भाई फोन करे जी, मान सम्मान किया जाएगा बिल्कुल सर। बाकी जिस व्यक्ति को जैसा रेट लगता हो वो जरूर लगाएं। बिल्कुल सर। सही है ना भाई साहब? बिल्कुल सर। क्यों, आपका धन है जी, आपने मांग लिया और लेने वाला भी पैसा देना है। हाँ जी 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 सर। तो उसमें बार्गेनिंग कर सकता है। बिल्कुल सर जी, आगे वाला कहाँ सोच होता है, कैसे होता है, कोई इसी गाय पालता है उसको ज्यादा पैसे से भी कोई मतलब नहीं है, कम से भी कोई मतलब नहीं है जी। आगे वाले उसको चीज से मतलब है जी जी, चीज उसको पसंद आनी चाहिए। कई कस्टमर ऐसे बैठे हैं उनको पसंद आई ना, 2,000 फालतू ही देते हैं वो जी जी, यार आज हमारे को वो चीज मिलेगी जो हम 1 साल से ढूंढ रहे थे। ठीक है भाई, ये बात रहती है जी हमारे पास कस्टमर। प्राइस इसका 48,000 रुपए बोला सर जी। 13 लीटर दूध है। अभी आगे जो दिखा रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं डैमेज ही रहे जी। अच्छा जी, ताजी ब्याई हुई है, पीछे बछड़ी है सर, पीछे फीमेल का बछड़ी है इसके, प्योर सही वाले की बछड़ी है। अभी थोड़ा और ये शमा में आएगी जी बछड़ी, सही वाला आएगी, नस्ल शमा में रहेगी। अच्छा जी, ये इसकी बछड़ी है, साहिवाल ब्रीड में। बिल्कुल, गाय साहिवाल में जी, अडर देखो गाय का अंचल, मुठिया अंचल। अभी 13 लीटर दूध तैयार है सर जी, मुख्य थनों में गैप बहुत है इसके, गैप बहुत है, मुठिया अंचल है, जर्सी गाय होती है ना सर जी, जर्सी गाय जी, वैसे अंचल है, मुठिया अंचल जैन पत्र आई थी इसके। अच्छा जी, हाँ जी, कौन से ब्यांत की है? अभी दूसरे ब्यांत में ब्याई सर, दूसरे ब्यांत में। बिल्कुल जी। कितने दिन हो चुके हैं भाई साहब ब्याई को? इसको हो गए जी सर जी आज लगभग 8-9 दिन हो गए जी। 8-9 दिन की ब्याई है, पीछे बछड़ी है, और लमसम कितना का दूध है? 13 लीटर दूध तैयार है सर जी, 15 लीटर से ऊपर दूध जाएगी प्लस जी। 13 इसी का रेडी रेट है, रेडी रेट तैयार है जी, मौके पे एकदम जी, मौके पर निकालने वाला सर। ऐसे बताने में बता दूं, गाय का ऑर्डर दे के आगे वाला नमन लगा लेगा जी, बता रहे हैं 15 लीटर बता दूं जी। अपने घर पे कस्टमर आ जाए या वीडियो कॉल कर ले, फिर उसमें फिर मजा नहीं आता, जो नाम बदनाम होता है, नाम बदनाम होता है जी। आगे वाला फिर आगे और दूसरी जगह बोलता है कि यार गाय तो वहां से ली थी जी, दूध दो टाइम वीडियो कॉल पे देखा जी, बताया 13 लीटर निकला, 8 लीटर उसमें कोई मजा नहीं है जी। जी जी, चीज उतनी बताओ जितनी निकल जाएगी। सही है जी। हाँ जी, प्रॉपर
13 लीटर की मिल्किंग और 15 तक इसकी एवरेज है दूध की। बिल्कुल सर जी, क्षमता है यानी जी जी जी। प्राइस इसका जी 43,000 रुपए प्राइस इसका। 43,000 रुपए जी जी। हर आदमी इसको लेने का आवश्यक होगा मेरे सबसे वीडियो पे जी जी। हर आदमी ये कहीं चाहेगा जी, मेरे को तो पता है जी। ठीक है जी, इससे आगे भाई साहब चौथे नंबर पर ये साहीवाल नस्ल की आ गई। साहीवाल ब्रीड है, साहीवाल ब्रीड है, प्रेग्नेंट है सर अभी, अभी बच्चा देने वाली है। ठंडी बहुत है जी, मेन ठंडी की देखो इसकी जी। स्वभाव देखो कितना एकदम बकरी का स्वभाव है जी, बढ़िया एकदम शांत है, यानी कि शांत स्वभाव की है जी। और कितना समय बाकी है बच्चा देने में? अभी ले लेंगे सर जी, 4 से 5 दिन ले लेंगे बच्चा देने में। 4 से 5 दिन का समय अभी बच्चा देने में बाकी है सर। और नस्ल इसकी साहीवाल है, साहीवाल ब्रीड के अंदर बच्ची है। ब्यांत इसका दूध फर्स्ट बात में बहेगी सर, अभी फर्स्ट ब्यांत में ही है। फर्स्ट बार में बहेगी जी, ऑर्डर देखना है कितने एकदम ऐसे ऑर्डर तैयार करेगी, जैसे एचएम गाय का ऑर्डर नहीं होता जी, वैसे ऑर्डर तैयार करेगी सर। फर्स्ट ब्यांत में है, मतलब पूरा अच्छा ऑर्डर रहने वाला है। मैं को जी कोई बोल देते हैं, मैं भी बोलता हूँ फर्स्ट बार में गाय 12 लीटर दूध से ऊपर दूध नहीं देती। अच्छा जी, पर जिस जी का माँ का रिकॉर्ड अच्छा हो ना जी जी, वो दूध हमेशा देती है। अच्छा जी, इसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे साहीवाल का 25 लीटर से ऊपर दूध नहीं होता है जी। और इसकी जो इसकी मदर है ना जी, इसका 20-22 लीटर का रिकॉर्ड है उसका। अच्छा जी, तो उनके घर से ये बछड़ी लेके आए जी जी। और फर्स्ट ब्यांत में 14-15 किलो दूध देगी। 14-15 लीटर पहले ब्यांत में इसकी दूध क्षमता बता रहे हो आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। और ब्याने में अभी 4-5 दिन? बिल्कुल सर, जेन्युइन। प्राइस जी इसका? प्राइस फिक्स रखेंगे बाबू जी इसका जी, 55,000 रुपए जी। ज्यादा नहीं है भाई साहब? भाई साहब देखो, हम तो लेके जिनके घर पे मदर का रिकॉर्ड हो ना जी, अभी यहाँ पे तो हमारे को बोल देते हैं कि भाई साहब आपने प्राइस ज्यादा मांग लिया। आगे वाले के घर पे जाते हैं ना सर जी जी, तो 70-70, 75-75 हजार रुपए मांगते हैं और गाय दिखाते नहीं है किसान। तो लास्ट कितने भी छोड़ दोगे? लास्ट जी मान सम्मान ही करेंगे सर जी, हम तो इसका मान सम्मान है, मान सम्मान करेंगे सर जी। खार की बछड़ी है जी जी, जो लेके जाएगा आगे धनतेर होगा जी। अच्छा जी, और दूध 15 लीटर की गारंटी देके भेजेंगे जी आगे वाले को फर्स्ट ब्यात में जी। ठीक है जी, हां जी। तो इससे आगे एक बिल्कुल ताजा ब्याई हुई गाय, ये आज सुबह ही बच्चा दिया है, जेन्युइन सही वाला जी, एकदम देखो बिल्कुल बगैर सिंगों में। कितना का समय हो चुका है इसको बच्चा दिए को जी? बच्चा दिए को सर जी अभी 1 घंटा हुआ है जी। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा हुआ सर, 1 घंटा बच्चे दिए को हुआ है जी जी। और दोस्तों देख सकते हैं बच्चा अभी खड़ा हुआ है जी, आप भाइयों के सामने है, बिल्कुल ताजा फ्रेश डिलीवरी की गाय है। और बच्चा क्या लेके आई है जी? बछड़ा लेके आई है। बछड़ा? बछड़ा जी, मेल काप लेके आई है जी जी जी, बच्चा मेल काप लेके आई है। 1 घंटे पहले बच्चे को जन्म दिया है जी। और जो वीडियो अपने कवर कर रहे हैं उसका समय हो चुका है 1:15, 1:15 हो चुका है जी। मंडे 8 जनवरी को, 8 जनवरी को ये वीडियो अपने कवर कर रहे हैं जी। कौन से ब्यांत की है जी? दूसरे ब्यांत की। गाय ने ताजा बच्चा दिया है पर स्वभाव बिल्कुल शांत है। स्वभाव तो देखो सर, आपको बताया नहीं मैंने पहले, मेरी गाय का सभी का स्वभाव अच्छा है जी जी। कोई कोई आदमी होते हैं वीडियो के अंदर बड़ी बड़ी गाय आगे लगाते हैं, छोटी छोटी मारे, देखो बड़ी भी है छोटी भी मिक्स ही है जी, मारे को कोई मीटर नहीं है। जो भाई वीडियो आया लास्ट देखेगा जी जी, समझ में भी आएगा, नॉलेज भी आएगी धंधे की कैसे होता है। हाँ जी हाँ जी जी सर, तो पूरी वीडियो देखे, सभी गायों की प्रॉपर पूरी डिटेल समझे जी, उसके बाद में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गाय सिलेक्ट करें, फिर गाय ले बरखे चित्रा लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी सर जी। अभी देखो नाम थोड़ा खराब हो रहा है बार जी, तो वो नाम ना खराब होने तो आपके ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है जी जी। ठीक है, व्यापारी तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है सर जी, जो कस्टमर है उसको देखना चाहिए मेन बात में भी, मेरे को क्या करना है। ऐसे हर आदमी के पास मत फंसे, नॉलेज ले पहले, हर वीडियो देखे भी इसकी वीडियो क्या आ रहा है, कितनी गाय आ रही है, कैसा सिस्टम है जी, पूरी जानकारी लेके फिर गाय खरीदे जी। कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? भाई जी दूध दे देगी 14 से 15 लीटर दूध दे देगी ठंडा जी, 14-15 लीटर दूध निकाल देगी। तो बहुत बताया उसके, नहीं बताएंगे जी, 14-15 लीटर दूध की हम गारंटी देंगे जी। अच्छा जी जी, तो प्राइस इसका जी? प्राइस इसका जी फिक्स है एकदम जी जी, 55,000 रुपए जी। 55,000 रुपए जी, 55,000 रुपए इसका प्राइस है जी। बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है जी सर, अभी मेली स्टार्ट हो चुकी है, मतलब यानी कि बढ़िया गाय है जी, जेन्युइन अंचल है। हाँ जी, अलग अलग लगे हुए मुठिया अंचल जी। आपकी सभी गायों की एक खासियत है जी, जो भी जितनी भी गायें वीडियो में कवर कर रहे हैं सबकी चारों थुन एक समान दूरी पर, दूर दूर स्पेस वाले सभी गायों के होते हैं बाबू जी, सुबह होते हैं जिस अंचल गाय के मानते हैं, जिस गाय के अंचल बैठते हो ना जी, वो गाय कभी वफा नहीं देती।
जिसके खिले होंगे ना, जैसे अपने कोई भी पौधा मान लो खिला होगा ना वो अच्छा लगेगा जी जी, जो भी मुरझाया होगा ना अंदर से बड़ा होगा जी तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगेगा जी 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 जी। तो फूल पे बोल देते हैं पंजाबी भाषा में, जो बैठ गया वो बैठ गया, अच्छा जी, जो खड़ा तो खड़ा ही है जी, अच्छा जी, जैसे खिले खिले होंगे तो अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगा जी जी। तो एक ये लास्ट में अभी दिखा रहे हैं जी, लास्ट में जो देखेगा ना वो पूरी नॉलेज जान पाएगा जी, भाई सेवल क्या होती है। लोग बोल देते हैं सेवल चाहिए हमारे को, सही बार की कीमत भरनी पड़ती है सर जी। बॉडी स्ट्रक्चर इसका ऐसे है जैसे एक बड़े साइज का बुलो बुलो, अच्छा जी, आम पर देखो सर जी बुल जैसा है जी, स्वभाव इसकी अंचल इसकी नाभि इसके पैर जी, जी करता है कि सुबह उठ के इसकी आरती उतारे, अच्छा जी, ऐसी घुमाता जिस घर पे जाएगी उसका भला ही होगा जी। पूरी ब्रीडिंग वाली गाय है, फुल ब्रीडिंग वाली सर जी, कोई आदमी जो मांगने में इसके जो 5 लाख मांगे ना तो भी कम है, अच्छा जी, क्योंकि गौ माता की कीमत होती नहीं है जी जी, जो सेवा करने के लिए लिया है ना जी उसके लिए कोई कीमत नहीं है इसकी सर जी। ब्याही हुई है जी? नहीं सर जी, प्रेग्नेंट अभी 20 दिन 20 से 25 दिन ले लेगी बेने में जी, 20-25 दिन का करवा के देंगे सर जी, 20 से 25 दिन से एक दिन ऊपर ले लेगा फ्री देंगे जी उसको। अर्डर स्टार्ट हो चुका है बनाना उसका सर जी, 20-25 दिन लेगी बेने में जी, और दूसरी बार में बच्चा देगी जेन्युइन 2-17 लीटर देगी अभी दूसरी बार में जी, दूसरी बार में जी सर, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट 16+2 क्षमता रहने वाली है, रहने वाली, अच्छा जी। और प्राइस इसका? प्राइस तो सर जी फिक्स है इसका एकदम जी जी, 85,000 रुपए लेने हैं जी, उसमें से कोई रस्सा छोड़ करेंगे 4-500 रुपए, 85,000 रुपए, 85,000, 70-75-80 वाला हमारे को फोन ही ना करे, 85 ही लेने, अच्छा जी जी सर, 85,000 रुपए, 85,000 जी फिक्स लेने वाला प्राइस है, अच्छा जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में भाई साहब की 6 गायें कवर हो चुकी है जी, जी सर। तो आप भी बताएं कमेंट के माध्यम से दिखाई गई वीडियो के अंदर जानकारी जी सर, और गायें सभी भाई साहब की कैसी लगी जी, और जो भी भाई कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं वहां का एड्रेस लिखकर कमेंट जरूर करें, सही है ना भाई साहब? बिल्कुल सर। और जो भी भाई शिषपाल जी से गायें भी लेके गए हैं जी, उनके घर पर जाकर गायें कैसी निकली, अच्छी निकली, माड़ी निकली, वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बिल्कुल सर बताएं, बिल्कुल जी बताएं। जी जी, जी तो धन्यवाद शिषपाल जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी सर जी। सभी पशुपालक भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।